So, hey guys, what's up everybody? Welcome back to my YouTube channel. अभी का time हो चुका है 2:34. अभी का time हो चुका है 2:34. और आज title और thumbnail देख के आप लोगों को शायद कुछ अलग दिख रहा है. Like Dominar का thumbnail और title है. और उसके बाद मैं हूँ 2:20 पे. Since कुछ ऐसा है कि Dominar अमलान भाई का है और अभी मैं उसके घर पे ही जा रहा हूँ. Like मैं इधर से 220 लेके जा रहा हूँ और उधर से डोमिनार में स्टार्ट करूँगा. ठीक है, तो चलो डायरेक्ट मिलते हैं अमलान भाई के घर पे. ओके, तो सीन्स कुछ ऐसा है कि अभी डोमिनार मेरे हाथ पे है. लाइक वो अमलान मेरा सामने जा रहा है 220 चला के. और बाकी इस बाइक का एक बात ऐसा है कि लाइक मतलब ये बाइक बहुत हैवी है. कोई भी अगर कोई पतला इंसान हो ना तो ऐसे तैसे चला नहीं पाएगा. तो ये चीज़ इस बाइक पे एक मतलब है कि लाइक पतला होने से आप लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. और बाकी बाइक का पिकअप के बारे में तो बताओ ही मत कि देखो ये मतलब इंस्टेंट इतना स्पीड ले लेता है. बहुत अच्छा है ये चीज़. मतलब बहुत अच्छा लगा ये चीज़. मतलब 400 है भाई. बात तो ऐसा भी है कि 400 है. 400 cc बहुत बड़ी बात है. लाइक अभी इधर नहीं करेंगे, अभी इतना टॉप स्पीड नहीं दिखा पाएंगे. तो इधर टॉप स्पीड तो नहीं दिखा पाएंगे कि लाइक बहुत ऐसे ऐसे मतलब इधर से भी कोई आ जाता है, इधर से भी कोई आ जाता है. तो अब टॉप स्पीड तो नहीं दिखा पाएंगे. तो बस ऐसे ही नॉर्मली पिकअप दिखा रहा था. टॉप स्पीड के लिए कोई अलग कहीं राइड वाइड पे जाएंगे तब उसी दिन बनाएंगे. लाइक अभी इतना भीड़ में आप लोग कैसे टॉप स्पीड दिखाऊँ आप लोगों को. तो सीन्स वही है. और अभी सामने जाएंगे, थोड़ा सुनसान जगह पे रुकेंगे और उसके बाद इसके बारे में सब मतलब कुछ भी इसका जो भी फीचर्स है सब बताएंगे अच्छे से. तो पहले जाके कोई शांत जगह पे रुकते हैं. ठीक है, वो सीन्स कुछ ऐसा है कि अभी एक शांत जगह पे आके पहुंच चुके हैं. इधर कोई गाड़ी वाड़ी ज़्यादा आता है नहीं, तो इसलिए मतलब इधर बताने के लिए बहुत अच्छा होगा. ठीक है, तो ठीक है, इस बाइक का पहला सबसे पहला पॉइंट बताते हैं कि इस बाइक का डिस्प्लेसमेंट है 373.3 cc. ये 400 लिखा हुआ रहता है, डोमिनार 400 बताता है सब लोग, लेकिन एक्चुअली इसका डिस्प्लेसमेंट है 373.3 cc. ओके, और बाकी इसका मतलब ये सिलेंडर, एक सिलेंडर है बाइक में. और बाकी पावर प्रोड्यूस करता है 8000 rpm, टॉर्क 6500 rpm के साथ. फिर उसके बाद डिस्क ABS है, दोनों फ्रंट पे भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क है, दोनों ही ABS है, डुअल चैनल ABS. लाइक ये वायर दिखाता था ना मैं आप लोगों को हर बाइक पे, ये वायर इधर से जाके एक फिर से आके इधर ही रुकता है, तो इसी को ये ABS बोलते हैं. ठीक है, तो ये भी डुअल चैनल ABS है. ओके, और उसके बाद फ्यूल टैंक इसका 13 लीटर है, बहुत बड़ा ही है. मतलब लाइक अगर ये बाइक ज़्यादातर तो राइड के लिए यूज़ किया जाता है, तो 13 लीटर काफ़ी है. इतना ज़्यादा मतलब ख़राब कुछ है भी नहीं. और बाकी सब डिजिटल है, स्पीडोमीटर एंड ऑल कुछ भी इधर जितना भी सब कुछ है. वो चाबी लगा के आप लोगों को दिखाते तो देखो ये सब डिजिटल है इधर. तो मतलब ऐसा कुछ मतलब एनालॉग है नहीं कि आप लोगों को इतना प्रॉब्लम हो, सब डिजिटल ही है. और बाकी बाइक ऐसे ठीक है. लाइक मैं भी चला के देखा हूँ, कितना बार मैंने सिटी के अंदर भी चलाया, हाईवे पे भी चलाया, मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं. तो अच्छा लगा ये बाइक. मतलब इस टाइप से तो बाइक अच्छा है बहुत. लाइक अभी आपको इतना भारी बाइक है, ये बहुत भारी है बाइक, तो 220 की तरह आपको मतलब ऐसा कम्फर्ट तो नहीं मिलेगा. लाइक आप सिटी के अंदर जैसे 220 कहीं भी घुसा देते हो तो वो वाला फील नहीं मिलेगा, लेकिन हाईवे के लिए बहुत मस्त है. और बाइक का पिकअप अभी चला के जो आया मैं, लाइक पिकअप देख के मैं पागल हो गया था. मतलब बहुत ज़्यादा पिकअप है इस बाइक का. तो सीन्स वही है. ठीक है, तो अभी पहले सिनेमेटिक्स आप लोग एंजॉय कर लो, उसके बाद अमलान भाई को कुछ क्वेश्चन पूछते हैं. लाइक वो इतना बड़ा बड़ा राइड करके आया तो पता नहीं उसको मतलब कैसा लगा कैसा नहीं लगा, वही सब पूछते. ठीक है, तो पहले सिनेमेटिक्स एंजॉय करो. My eyes are bloodshot red, damn I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there, there's a good guy.
ओके तो अभी अमलान भाई मेरे साथ में है, बाकी उसको पूछ रहे हैं अभी सब क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन माइलेज का ही पूछते हैं, ठीक है? तो अमलान भाई बताओ इस बाइक का आप लोग को, आपको माइलेज कितना मिल रहा है? आप इतना राइड करके आए तो बताओ आपको कितना मतलब मिला हुआ सब माइलेज बताओ। तो माइलेज तो क्या है, माइलेज तो हाईवे में पूरा अप्रॉक्स 35। ओके और सिटी में 29-30। ओके तो सिटी में 29 और 30 इसके बीच मिलते हैं और बाकी हाईवे में 35। मतलब इतना हाई सीसी का बाइक है तो मतलब ठीक है, मैं माइलेज के हिसाब से तो इसको ठीक ही देख रहा हूँ। इतना हाई से हाई सीसी में तो मिल, बाकी मतलब आपका जो इतना राइड करके आप शिलोंग से भी आए, गुवाहाटी से भी आए, अभी रिसेंटली गुवाहाटी से आए, तो आपका मतलब एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक जैसे भी अभी जैसे बता रहा हूँ मैं 220 लेके तो मैं गुवाहाटी और शिलोंग आराम से ऐसे जाए, मैं तो सिक्किम भी चला जाऊँगा, लेकिन आपको ये मतलब डोमिनार बहुत भारी बाइक है, बहुत भारी है बाइक, मैं चलाया अभी मेरे को पता चला, तो आप इतना दूर से जो आए कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब कैसा लगा आपको चला के? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था, भारी मतलब ऐसे भारी तो है, 198 अराउंड समथिंग वैसा है था। ओके चलाने में, लेकिन हाईवे में बेस्ट है ये, हाईवे में चलाने का एक्चुअली बाइक है, हाईवे में चलाने से तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। ओके तो भाई का ओके तो भाई का कहना ये है कि ये बाइक का तो वेट अराउंड 198 समथिंग है, तो सिटी में ये बाइक मतलब ऐसे कहीं से भी घुसा घुसा के चलने के लिए प्रॉब्लम होता है, लाइक तभी वेट पता चलता है, और लेकिन जब हाईवे में चलाते हैं तो भाई को कुछ पता ही नहीं चला। मतलब एक बात है भाई, हाईवे में तो आप सीधा जाओगे, और एक बार बाइक अगर सीधा हो गया उसके बाद आपका जितना भी वेट हो कुछ आपको पता नहीं चलता है, तो सीन्स कुछ वही है, ठीक है? और बाकी बाइक के बारे में इतना कुछ बताने के लिए है नहीं, लाइक बाइक मतलब क्या बोलूँ, एक तरफ से इसको बीस्ट बोल सकते हैं, लाइक 400 cc का बीस्ट, तो ठीक है। तो बस और कुछ बताएंगे नहीं, अगर कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का तो प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करके पूछो, आप लोग क्वेश्चंस पूछो मेरे को, बाकी मस्त है। तो ठीक है, तो आज का वीडियो और लंबा नहीं करेंगे शायद, और मतलब जाने का वापस दिखाऊंगा नहीं एक बार आप लोगों को, लेकिन स्पीड दिखाऊंगा, इधर पता नहीं कितना होगा स्पीड, ऐसे इधर नहीं दिखा पाऊंगा ज़्यादा, क्योंकि लाइक बहुत ट्रैफिक है ना, तो इतना नहीं दिखा पाऊंगा, कहीं अगर राइड वाइड पर कभी निकलेंगे तो अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि इधर भीड़ ज़्यादा होता है, राइड में इतना भीड़ नहीं होगा, कोई बाहर जाएंगे जब तो इतना भीड़ नहीं होगा, तब आप लोगों को टॉप स्पीड दिखाएंगे, लेकिन अभी बस नॉर्मल स्पीड दिखाते हैं, पिकअप कैसा होता है वो दिखाते हैं और उसके बाद वीडियो ख़त्म कर दे, ठीक है? तो चलो एक बार स्पीड देख लो, उसके बाद वीडियो। Why do I feel like I linger?